हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप CSIR NET, IIT JEE या MSc BSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और जाननी चाहिए। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर ड्रोसोफिला का जो जीनोटाइप XX है और AAA है तो आपको बताना है कि इस तरह का ऑर्गेनिन ड्रोसोफिला का सेक्स क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो हमें नहीं लगता है कि वीडियो को आपको देखना चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सेक्स फिनोटाइप इन ड्रोसोफिला के बारे में जानें। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में क्या डिफरेंस है फिनोटाइप के टर्म में। तो फीमेल ड्रोसोफिला लार्ज साइज के होते हैं और मेल क्या होते हैं, छोटे होते हैं थोड़ा सा। साथ ही साथ एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन इनका नुकीला होता है, टिप होता है, और उस पर ब्लैक स्पॉट 9 के बराबर ही होता है। साथ ही साथ अगर मेल की बात करें तो इनका जो टिप होता है ब्लंट होता है और एब्डोमेन पर क्या होता है, ब्लैक स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग अब बात आते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला कैसे करते हैं। तो डिटरमाइन कैसे करते हैं, एक्स और ए रेशियो को जानने के बाद। अगर आपके पास एक्स और ए रेशियो है, एक्स मतलब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स और ए फॉर हैप्लोइड सेट ऑफ ऑटोजोम्स क्रोमोजोम्स, अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोजोम्स का कोई भी रोल नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वाई क्रोमोजोम्स का कोई रोल नहीं होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स और ए रेशियो डिटरमाइन करें, उसके पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि सेक्स और ऑटोजोम्स क्रोमोजोम्स की संख्या नॉर्मल मेल और फीमेल में क्या होती है। तो नॉर्मली किसी भी मेल या फीमेल में 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं और 3 पेयर ऑटोजोम्स होते हैं। मेल में अगर हम बात करें तो इसकी संख्या जो एक्स क्रोमोजोम्स की होती है 1 होती है और फीमेल में 2 होता है। और हैप्लोइड सेट कितने होते हैं, हैप्लोइड सेट 2 होते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी लोग ऑटोजोम्स 3 लिख देते हैं, वो ठीक नहीं है। 3 लिखने का मतलब हो गया, इस परिस्थिति में 3 का मतलब है 3 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, लेकिन हैप्लोइड सेट कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। इनके 3 पेयर में 3 क्रोमोजोम्स मदर से आए हैं और 3 फादर से आए हैं, और इस तरीके से हैप्लोइड सेट का ऑटोजोम्स की जो संख्या है 2 होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये डिफरेंट तरह का सेक्स क्रोमोजोम ऑटो हैप्लोइड सेट को लिखा गया है और उसके रेशियो के साथ साथ उसके फिनोटाइप को भी बताया गया है। तो अगर एक सेक्स और AA है तो रेशियो इनका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर 2 क्रोमोजोम्स एक्स हुए और 2 हैप्लोइड सेट हैं तो 1/1 तो फीमेल होगा। ठीक उसी तरीके से XY की बात करें और A है तो 0.5 तो 1/2 XYA रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। X 0 और A है तो 0.5 मेल, और इस तरह के मेल स्टराइल होते हैं। और बाकी जो क्रोमोजोम्स की अगर हम संख्या देखें इस तरह के, तो देखेंगे कि सेक्स क्रोमोजोम्स में एक्स को ही हम लोग काउंट करते हैं, वाई का कोई रोल नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे जैसे एक्स से अगर ऊपर बढ़ेगा, एक्स से रेशियो मेटा मेल होगा, किसी भी तरह का क्रोमोजोम्स में मेटा मेल होगा। साथ ही साथ अगर 0.5 से अगर कमेगा तो मेटा मेल होगा और एक्स से बढ़ेगा तो मेटा फीमेल होगा, सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है, 4 एक्स क्रोमोजोम्स हैं तो इनको हम रेशियो कैसे निकलेंगे, एक्स वाई रेशियो क्वेश्चन में 4/3, क्योंकि यहाँ पर 3 हैप्लोइड सेट को दिखाया गया है, और इस तरीके से इनका रेशियो मेटा फीमेल के लिए 1/3 होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उसको सवाल का। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप CSIR NET, IIT JEE, GATE या MSc BSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी निश्चित सफलता सुनिश्चित चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं 6202692436। आपको कुछ ही दिन क्लास करने के बाद आप काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस करेंगे और आपकी सफलता आपके काफ़ी करीब होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक सवाल का। तो इस सवाल को का आंसर
आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे राइट द सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला हैविंग जीनोटाइप, जीनोटाइप दिया गया है और आपको बताना है कि क्या होगा। दूसरा सवाल है, ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका रोल नहीं है। अगर आपको ये सवाल समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो एक बार जाके फिर देख के समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना अवेलेबल कमेंट जरूर लिखें। हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।